अब वो तमन्ना पूरी होने जा रही है जिसमें ये कहा जाता है कि हमें कुछ ना करना पड़े और हमारी इनकम भी डबल ट्रिपल और 5 गुना हो। अब वो वक्त ऑन पैसिव के अंदर आ रहा है जिसकी आप सब लोगों ने एक सोच रखी थी और शायद आप सबके भाग के पिटारे अब खुलने ही वाले हैं। ऐसा माहौल ऑन पैसिव के अंदर आ रहा है। क्यों ये हम इतनी कल्पना कर रहे हैं कि हमें ऑन पैसिव में आने के बाद कुछ भी ना करना पड़े और हमारी पॉकेट हमेशा फुल रहे, हमारे वॉलेट हमेशा फुल रहे। और क्योंकि यहाँ ऑन पैसिव में आने के बाद सबको एक ही बात समझ में आई थी कि यहाँ पर अगर प्रोडक्ट सेल होता है तो बहुत ज़बरदस्त इनकम आएगी। और प्रोडक्ट कौन सा है जब पब्लिक की ज़रूरत के अनुसार है या नहीं है, अगर ऐसा होता है कि पब्लिक की ज़रूरत बन जाए तो फिर यहाँ पे बारे न्यारे हो जाते हैं और आपकी पॉकेट रात दुगनी चार चौगनी क्या कहते हैं वो हो जाती है। और उसके बाद आपके सामने एक खुशनुमा माहौल लाइफ सेट हो जाती है। और आज के टाइम पे हर आदमी चाहता है कि हमारी लाइफ सेट हो, हमें कष्टों के बिना हमें पैसा प्राप्त होता रहे, मेहनत भी कम करनी पड़े और ज़्यादा हमें आउटपुट मिले, इनपुट कम हो तो आउटपुट ज़्यादा हो। शायद इसी के लिए ऑन पैसिव के अंदर आज भी इंतज़ार किया जा रहा है और काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आशा और उम्मीद बहुत ज़्यादा बड़ी हैं लोगों की। और फिर कहते भी हैं ना कि जाएँ तो जाएँ कहाँ, इसके अलावा कुछ और समझ में नहीं आता है। कहीं जाते भी हैं तो लोग बेमन से वहाँ पे काम करते हैं, फुली पूरे मन से वहाँ भी नहीं होते हैं। तो अब वक्त ये है कि क्या हमें ऑन पैसिव इस सितंबर में वो कुछ दे सकता है जिसके लिए हम लोग इतने लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं और क्या कहते हैं धैर्य भी बनाए हुए हैं और एक विश्वास भी जो डोल रहा था पिछले कुछ दिनों लोगों का, वो विश्वास भी क्या वापस हमें इस सितंबर में मिल पाएगा क्या। बाकी एसर ने आज तक जो भी कहा है वो तो पूरा नहीं किया है, क्या इस बार पूरा ज़रूर होगा। हर कमिटमेंट फेल हुए हैं, चाहे किसी भी बात को लेकर के देखें कि जब 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 लगा कि हाँ अब कुछ होगा तभी कुछ ना कुछ एक ऐसे हर्डल सामने आए तो उसके बाद में बुरा लगने लगता है कि काश ये सब चीज़ें ना हुई होती। जैसे कि बहुत पहले सितंबर में, लास्ट सितंबर जब हम बात करें तो उस पर हमारे पास में सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट था ओ कनेक्ट, उसका सब्सक्रिप्शन आया, लोगों ने बाखूबी खूब अच्छे से सब्सक्रिप्शन बाय किया और ये लगा कि कुछ फंड आने लगेगा। और जब जैसे ही फंड कुछ लोगों को आया, विड्रॉल्स लगे, उसके बाद में बैंक प्रॉब्लम आने लगी, क्रिप्टो से प्रॉब्लम आने लगी और उसके बाद में वो पेमेंट्स को रोक दिया गया। कुछ लोग भाग्यशाली जरूर रहे जिनको फंड मिला, पैसा मिला और उनको उनका विश्वास डबल हो गया और बाकी लोगों के लिए पैसा रोक दिया गया। अब यहाँ पर कई कई बार भाग भी साथ नहीं दे रहा है, फाउंडर साथियों का भी साथ भाग नहीं दे रहा है, ऐस का भी साथ का शायद भाग साथ नहीं दे रहा है। क्या वजह है कि वहाँ पे फंड को रोकना पड़ा और उसके बाद ये कहा गया कि उनका फंड कहीं पे फंस गया है। तो उसके बाद चलिए इंतज़ार कर लेते हैं, काफ़ी इंतज़ार किया और इंतज़ार करने के बाद में हर्डल्स आने कम नहीं हुए, फिर फंड आ गया वापस, उसके बाद में और प्रॉब्लम्स आती चली गई और प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आती हुई अब शटर डाउन हो गया। जितनी भी हमारी वेबसाइट्स थी वो उनका भी शटर डाउन है इस समय और ये कहा जा रहा है कि सितंबर में संभावनाएं पूरी हैं कि जो ओपन हो जाएगा। दूसरा क्या है कि विड्रॉल्स भी इस महीने आपको सितंबर में मिल जाएंगे, ये कहाँ तक इस पर सच्चाई है इसको लेकर के कहीं संशय बना हुआ है कि आशावान लोग हैं और उम्मीद तो ज़रूरत से ज़्यादा ही है और उम्मीद के अलावा ऑन पैसिव के अंदर कुछ कर नहीं सकते हैं। अब ऐसे में सितंबर का महीना जैसा कि कहा जा रहा है कि बहुत कुछ होगा, ऐसर भी अपनी बातों बातों में कह तो देते हैं सारी चीज़ें और कई बार ये भी कहते हैं इसको बाहर मार्केट में लेकर के मत जाइए। अब मार्केट में लेकर के नहीं जाएंगे तो फिर आपका प्रचार और आपकी कंपनी का प्रचार, प्रोडक्ट का प्रचार कैसे होगा। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां हमारी बन गई और बनमैन आर्मी शो अभी भी ऑन पैसिव का बना हुआ है। इन बनमैन आर्मी को मैनेज करने के लिए ऐसा को अपनी टीम को स्ट्रांग करना होगा क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां उनके अगर किसी प्रकार से फाउंडर सीईओ अगर बीमार हो जाते हैं तो दूसरी मतलब
कंपनी के दूसरे लोग काम करते हैं कहीं पे भी, किसी कोई काम रुकता नहीं है, ये कह के तो नहीं रुकता है कि अभी हमारे CEO हॉस्पिटलाइज है इसलिए कुछ नहीं हो सकता, या हमारे फंड ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं इसलिए कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए डेटें दी जाती हैं, ऐसी संभावना अगर हर कंपनी में हो तो कंपनियों का शटर बनना बंद होना लाजिमी, बहुत सी कंपनियाँ बंद हो सकती हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। कंपनियाँ हैं और यूनिकॉर्न जैसी कंपनियाँ हैं तो उसके पास पब्लिक भी होती है और उसके पास में कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी होते हैं जो उसको मैनेज करते हैं। अगर ऐसा पता चल जाए कि फला व्यक्ति ऐसा है कि वो काम नहीं कर पा रहा और ऑन पैसे 4 दिन के लिए बंद हो रही है, तो फिर लोगों का विश्वास भी डामाडोल हो जाता है। अगर रतन टाटा ये कहें कि मैं आज अस्वस्थ हूँ, मेरी सारी कंपनियों में लेन देन बंद कर दिया जाए, तो क्या ये संभव हो पाएगा? क्या रतन टाटा के अलावा दूसरे लोग नहीं होंगे? ये सारी चीज़ें सोचने की बात है कि आखिर ऐसा क्यों इन सब बातों को लेकर के अपने ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगवा लेते हैं, क्यों एस सर के ऊपर उंगली उठने लगती है, क्यों ऑन पैसिव की ओर उंगली उठने लगती है। और वो सो कॉल्ड गुरु जो पैनल पे बैठ कर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि उनको उनको भी क्यों नहीं समझ में आता ये बात कि उनको भी बोलना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट हैं, गॉड से जुड़े हुए हैं, भगवान से गले मिलते हैं, सीने लगते हैं और उनकी फ़ोटो भी शेयर करते हैं और उनकी हामे भी मिलाते हैं। तो ऐसे लोगों को तो कम से कम बात करनी चाहिए कि भाई आप बनमैन आर्मी क्यों बने हुए हैं? अगर बनमैन आर्मी बने रहोगे तो बाकी ये 14 लाख लोगों का क्या होगा? जो होल्डिंग टैंक में एफलेट है उनका क्या होगा? जो आने वाले एफलेट्स हैं उनका क्या होगा? और कंपनी जहाँ जहाँ आप टाई अप कर रहे हो उनका क्या होगा? क्या वो विश्वास कायम रह पाएगा? ऐसे में लॉसेस के अलावा कुछ नहीं है। अगर इस अब वापसी कर रही है ऐसे तो उनको अब ये सोचना पड़ेगा सेप्टेम्बर में अगर उन्होंने कहा है तो कम से कम जो भी वेबसाइट्स हैं वो ओपन हो और जो भी डाटा की प्रॉब्लम्स आ रही है और अगर कोई और इसके अलावा प्रॉब्लम है तो फाउंडर्स को खुल के बताएं। जब आप इतना बता चुके हैं, आपने साइट डाउन कर दी बिना सलाह मशवरा किए, आखिर कहीं आपके डाटा को प्रॉब्लम हुई है कि आपकी कंपनी के साथ छेड़छाड़ हो रही है या कोई एक नया केस ऑन पैसिव के ऊपर लगा है? अगर सब कुछ ऐसा है तो फिर खुल के बताइए, क्योंकि चीज़ें जब बाद में निकल के आती हैं तो निगेटिविटी ज़्यादा व्याप्त हो जाती है। अगर सेप्टेम्बर का है तो फिर सेप्टेम्बर में गुड न्यूज़ आनी चाहिए। और गुड न्यूज़ क्या होती है? गुड न्यूज़ हमेशा पॉकेट के लिए होती हैं, पेट के लिए होती हैं, मन मस्तिष्क को खुश करने के लिए होती हैं और उन सबसे बड़ी होती है कि हमारी पॉकेट, जिससे हमारा घर परिवार चलता है। तो अब ये गुड न्यूज़ आ जानी चाहिए। धन्यवाद आप सबका।